पार्ट एट में हम देख चुके हैं गोंगचंग और लूजिंग एंगेजमेंट कर लेते हैं ताकि यिचे रियल वर्ल्ड में वापस जा सके। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप लास्ट पार्ट से पहले पार्ट एट भी देख लीजिए जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर जरूर बताना और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। लास्ट पार्ट में हम देखते हैं बट हिजे रियल वर्ल्ड में जाने के बजाय वापस आ जाता है और फिर डॉक्टर सू से कहता है तू हार गया, मैंने अपनी लाइफ और लव में से लव को चुना। डॉक्टर सू से मैजिक पेन दे देता है पर मैजिक पेन में तो इंक ही नहीं थी। इनफैक्ट हिजे को पता चल गया था कि बालिन के मरने वाली बात डॉक्टर सू को पहले ही पता थी पर तब भी डॉक्टर सू ने बालिन को नहीं बचाया था। लूजिंग हिजे के घर आती है और हिजे को याद कर बहुत रो रही थी। तभी अंदर से हिजे निकलता है तो लूजिंग उसे जाके मारती है और फिर हक करके कहती है तुम वापस क्यों आए, मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकती। हिजे कहता है लास्ट में जो भी हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। वो इनकाई के मॉम डैड को बताता है कि ये रिपोर्ट फेक थी और इनकाई ही आपकी रियल बेटी है, लूजिंग नहीं। रात में हिजे उसे डिनर के लिए बुलाता है तो लूजिंग सेक्सी ड्रेस पहन के आती है। उसे देखते ही हिजे की नोज से ब्लड निकलने लगा था तो लूजिंग उसे और भी ज्यादा सेड्यूस करने लगती है। तो हिजे सूप लेने जाता है बट वो उसे रोक के खुद लेने जाती है बट उसके ऊपर सूप गिर जाता है तो दोनों हैरान थे कि डिशपॉट गायब हो रहा है। हिजे उसके चोट पे दवा लगाता हुआ पूछता है कि दर्द तो नहीं हो रहा। वो कहती है नहीं, हाँ हाँ बहुत तेज हो रहा है। क्या तुम आज रात मेरे साथ ही सो जाओगे, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो हिजे हंसने लगता है। फिर वो दोनों जहाँ भी जाते हैं हिजे हर चीज से डर रहा था। मॉर्निंग में लूजिंग अलार्म बंद करने आती है बट वो उसे भी पकड़ के बेड पे खींच लेता है और किस करने लगता है और दोनों बहुत मस्ती करते हैं। लूजिंग घर के काम कर रही थी तो वो उसे टांग के खुद करने लगता है। लूजिंग ने लव फ्लावर संभाल रखा था क्योंकि एक तो वो हिजे ने दिए थे और दूसरे वो कभी मुरझाते नहीं है। बट हिजे मैजिक पेन से बनाए लव फ्लावर को यूज करके उससे मैजिक पेन की इंक बना लेता है और फिर से लूजिंग के लिए लव फ्लावर बना देता है तो वो बहुत खुश होती है। लूजिंग इनकाई से माफी मांगती है और उसे गोंगचंग का गिफ्ट वापस कर रही थी बट इनकाई गुस्सा हो जाने लगती है। तभी एक स्टैचू गायब होके उनपे गिरने वाला था तो लूजिंग इनकाई को बचा लेती है। दोनों को एक दूसरे की चिंता हो रही थी तो इनकाई उसे सच बताने कहती है बट लूजिंग कहती है मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी। गोंगचंग इनकाई के घर के बाहर बारिश में खड़ा उसे सॉरी बोलकर चिल्ला रहा था बट वो गेट नहीं खोलती तो आंटी उसे अंदर आने देती है। गोंगचंग इनकाई को बता रहा था कि मैंने किसी सीक्रेट वजह से ये सब किया था। वो उसे सीक्रेट वजह पूछती है तो गोंगचंग पहले हिचकिचा रहा था बट फिर उसे सब कुछ बता देता है। पर इनकाई को कॉमिक वाली बात पे यकीन नहीं था इसलिए वो लूजिंग को रात में ही फोन करती है। वो दोनों उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं और क्रिस्टल और कॉमिक भी दिखाते हैं पर वो नहीं मानती। तो हिजे उसे यकीन दिलाने के लिए मैजिक पेन से बहुत सारे गिफ्ट बनाता है। इनकाई हैरान थी और कहती है टीचर हिजे आपने जादू कब सीखा, यानी इनकाई को अभी भी उन पर विश्वास नहीं हो रहा था। जब गोंगचंग और हिजे जा रहे थे तो हिजे देखता है कि लाइट की वायर उन पर गिरने वाली है तो वो दोनों कूद के बच जाते हैं बट इधर जहाँ लूजिंग थी वहाँ की बिल्डिंग गिरने लगती है और लूजिंग बेहोश और तभी वहाँ पे डॉक्टर सू आ जाता है। हिजे भाग कर देखता है कि लूजिंग जख्मी है तो वो डॉक्टर सू से पूछता है बता तूने उसके साथ क्या किया। डॉक्टर सू कहता है पता है बालिन कैसे मरी थी, इनफेक्ट बालिन के साथ साथ जो भी उसका मिशन है डॉक्टर सू भी प्रॉब्लम में आ जाएगा, यानी उन दोनों में से कोई एक ही बच पाएगा और दूसरा मरेगा। अब जब डॉक्टर सू को पेन होता था तो बालिन को नहीं होता था इसलिए डॉक्टर सू को बचाने के लिए बालिन खुद मर गई। हिजे लॉजिक से पूछता है कि तूने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई, बट बेचारे लॉजिक को तो खुद भी पता चला था। हिजे लूजिंग के लिए स्पाइसी खाना बनाना था और खुद भी खाने लगता है बट उसे मिर्ची लगता देख लूजिंग उसे रोक देती है तो वो उसकी चुभाता है और जानबूझ के खुद के भी दर्द होने का नाटक कर रहा था और सोचता है मैं खुश हूँ या सैड। लूजिंग को पीरियड्स हो रहे थे बट हिजे को पेन नहीं हो रहा था तो वो लूजिंग से कहता है आगे से केयरफुल रहना, कुछ भी हो जाए सबसे पहले मुझे बताना और एक सेकंड के लिए भी मुझसे दूर मत जाना। तो वो खुश होती है। हिजे स्कूल से रिजाइन कर रहा था बट सब उसे मना कर रहे थे। तभी हिजे देखता है कि एक टॉम लूजिंग पे गिरने वाला है तो वो उसे पकड़ के बचा लेता है। सब हैरान थे कि टॉम पे लिखा गायब कैसे हो रहा है।
थैंक गॉड वो दोनों ठीक थे। वो उसकी चोट पे दवा लगा रहा था और लूजिंग के साथ साथ हीजे पेन में होने का नाटक कर रहा था। लूजिंग जानबूझ के अपना पैर मोड़ लेती है, हीजे उसकी केयर करने लगता है। वो उसे देखती है तो वो भी जानबूझ के अपने दर्द होने का नाटक करने लगता है। लूजिंग उससे गुस्सा होती है कि हीजे ने ये बात उससे छुपाई, तो वो उसे सॉरी बोलता है। वो कहती है, मैं नहीं चाहती तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करते हुए चोट लगे, और तुम्हें मुझे नहीं, मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। इधर बेचारा गोंगचेंग इनकाई को मना रहा था बट वो यकीन नहीं करती। लूजिंग देखती है कि हीजे की जैकेट गायब हो रही है, तो हीजे जल्दी से जैकेट उतार के फेंक देता है। उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी इसलिए वो सच पता करने के लिए डॉक्टर सू के पास जाती है, जो उसे सच बता देता है कि तुम दोनों में से सिर्फ एक ही जिंदा बच सकता है। लूजिंग कहती है, यानी तुमने बालन की जगह अपनी लाइफ को चुना, तुम कितने सेल्फिश हो, और अभी ये सब उसी पछतावे की वजह से कर रहे हो ना। मैं और हीजे कभी वो रास्ता चूज नहीं करेंगे जो तुमने चूज किया था। लूजिंग को हीजे का फोन आता है क्योंकि हीजे को उसकी चिंता हो रही थी, तो वो घर चली जाती है और हीजे को बता देती है कि मुझे सब कुछ पता चल गया। नेक्स्ट डे लूजिंग कहीं जा रही थी तो वो भी उसके साथ ही जाता है, बट दोनों देखते हैं कि कार के गैस पेडल गायब हो रहे हैं, तो वो एकदम से उतर जाते हैं। थैंक गॉड कार के ब्रेक्स गायब नहीं हुए थे। वो घर आते हैं पर घर की एक दीवार टूटने लगती है। हीजे लूजिंग को बचाता है। जब वो दोनों गोंगचेंग के साथ लिफ्ट में जा रहे थे तो लिफ्ट भी खराब होने लगती है, तो दोनों बाहर भाग आते हैं और गोंगचेंग को भी आने कहते हैं, बट गोंगचेंग लिफ्ट से चला जाता है। हीजे हैरान था कि लिफ्ट को कुछ भी नहीं हुआ, और उसे आइडिया आता है कि वो मेन लीड की इम्यूनिटी पावर्स को यूज करेंगे, क्योंकि कभी किसी स्टोरी में मेन लीड्स नहीं मर सकते। नेक्स्ट सीन में हीजे गोंगचेंग को अपने बेड पे फेर रहा था ताकि उन दोनों को कुछ भी ना हो, जबकि बेचारा गोंगचेंग रोल करते करते थक गया था। वो दोनों मजे से लवी डवी बन के रोमांस कर रहे थे और बेचारा गोंगचेंग सिंगल बैठा था, तो हीजे उसे भी आइसक्रीम के लिए पूछता है। हीजे फिर से इनकाई को समझाने लगा था कि ये कॉमिक वर्ल्ड है, बट वो उन पे बिना यकीन किए फिर से जाने लगती है। तभी कार का टायर उतर जाता है। लूजिंग और इनकाई रोड क्रॉस कर रही थी, तो हीजे देखता है कि कार लूजिंग को ठोकने वाली है, तो वो भाग कर जा इनकाई को कार के आगे धक्का मार देता है। कार तो रुक गई थी पर इनकाई डर के मारे गिर जाती है। गोंगचेंग हीजे पे गुस्सा करता है और सब देखते हैं कि कार का टायर गायब हो गया। इनकाई को डरा देख गोंगचेंग कहता है, सॉरी मैं तुम्हें प्रॉब्लम में नहीं बचा पाया। वो कहती है, मुझे उस बात का डर नहीं है बल्कि इस बात का है कि ये वर्ल्ड फेक है, और मुझे लगता है तो मैं बचपन से टैलेंटेड हूँ, और तभी मैं सोचूं मेरी आईब्रोज इतनी ब्यूटीफुल क्यों नहीं है। हाँ, और तभी तुम हीजे के जैसे दिखते हो, उसने तुम्हें अपने जैसा ड्रॉ कर दिया। गोंगचेंग हीजे पे गुस्सा था बट वो कहती है, हीजे ने सही तो किया, देखा मैं मर भी नहीं सकती, मैं मेन कैरेक्टर हूँ ना, यानी हम दोनों कभी नहीं मरेंगे। मुझे बहुत कुछ करने का मन है, लाइक बंजी जंपिंग और बिल्डिंग से कूदना, अम्यूजमेंट पार्क की फेक वॉल। गोंगचेंग अभी भी हीजे पे गुस्सा था, तो हीजे उसे खुद को पंच करने को कहता है। वो एक दो बार तो उसे पंच कर देता है बट फिर रुक जाता है। फिर वो देखता है कि हीजे पे लाइट गिरने वाली है, तो वो भाग कर जा उसे बचा लेता है। अब गोंगचेंग ने चारों को साथ में रहने का डिसाइड कर लिया था, और इनकाई को अपने रूम में जाते देख हीजे कहता है, तुम गोंगचेंग के रूम में जाओ। इनकाई कहती है, मैं लूजिंग को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, तुम नहीं, और दोनों रूम में भाग जाती हैं। यानी हीजे और गोंगचेंग एक रूम में। वो रूल्स बनाते हैं कि वो दोनों मिलके उन दोनों को प्रोटेक्ट करेंगे। लूजिंग इनकाई को साथ में नहाने के लिए कहती है, तो वो भी चली जाती है। तो हीजे भी कहता है, गोंगचेंग तू भी मेरे साथ नहाने चलेगा, मुझे अकेले डर लगता है। और बेचारा गोंगचेंग मना कर रहा था। आज रात हीजे और लूजिंग साथ में सोने वाले थे, तो वो बहुत खुश होते हैं, जबकि डॉक्टर सू गुस्से में था। लूजिंग देखती है कि हीजे घर पे नहीं है, क्योंकि हीजे को डॉक्टर सू ने बुलाया था, और कहता है, तूने मेरी हैप्पी एंडिंग क्यों नहीं लिखी थी। इनफैक्ट डॉक्टर सू उसे बातों में उलझा रहा था ताकि उसे मार सके। लूजिंग हीजे को ढूंढते हुए वहाँ आ जाती है और देखती है टावर उस पे गिरने वाला है, तो वो उसे धक्का दे के बचा लेती है। इतने में इनकाई भी वहाँ आ जाती है। डॉक्टर सू गुस्से से चिल्ला रहा था कि वो सिर्फ एक सिंपल सा कैरेक्टर है। इनकाई देखती है कि बॉक्सर्स डॉक्टर सू पे गिरने वाले हैं, तो वो खुद उसके आगे आके डॉक्टर सू को बचा लेती है। सबको उसकी चिंता होती है। डॉक्टर सू पूछता है, तुमने मुझे क्यों बचाया। वो कहती है, बचपन से तुमने मेरे बड़े भाई की तरह मेरा ख्याल रखा, क्योंकि तुम मेरे लिए कोई कैरेक्टर नहीं हो। वो कहता है, अगर मैं और बाइलन भी लूजिंग और हीजे की तरह तुमसे हेल्प लेने आते तो क्या तुम हमारी हेल्प करती। वो कहती है, हाँ जरूर, तुम ये सब मत करो ना, अगर बाइलन यहाँ होती
तो वो कभी भी तुम्हें ऐसा नहीं देखना चाहेगी। वो तुम्हें खुद की एंडिंग खुद बनाने के लिए इनकरेज करती। डॉक्टर सू को अपनी गलती का एहसास होता है और वो चला जाता है, पर इनकाई बेहोश हो जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि इनकाई की चोट लग गई, बट वो वैसे ठीक है। हीजी और लूजिंग दोनों ही समझ गए थे कि वो अपने लिए गोंगचिंग और इनकाई को प्रॉब्लम में नहीं डाल सकते, इसलिए वो दोनों उन दोनों को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। हीजी लॉजिक को लूजिंग का ख्याल रखने को बोल रहा था। लूजिंग की फर्स्ट कॉमिक पब्लिश हो रही थी तो वो कहता है, कल तुम्हारा फैन साइन इवेंट है, तुम्हारा फ्यूचर अब मस्त होने वाला है। वो कहती है, नहीं मेरा फ्यूचर तो तुम हो। तो हीजी उससे प्रॉमिस करता है कि वो साइन इवेंट तक एक दूसरे को छोड़कर नहीं जाएंगे, इसलिए लूजिंग साइन इवेंट के लिए मान जाती है। नेक्स्ट डे लूजिंग के फैन उसके कॉमिक पे ऑटोग्राफ ले रहे थे और वो बार बार हीजी को देख रही थी, बट हीजी वहाँ पे नहीं था तो वो भागती है, बट फैन उसे घेर लेते हैं। वो बहुत रोती है, चिल्लाती है, पर हीजी सॉरी बोलकर चला जाता है। और गोंगचिंग और इनकाई लूजिंग को रोक रहे थे, बट हीजी ने तो बहुत पहले से ही वहाँ से जाने का फैसला कर लिया था, क्योंकि वो लूजिंग को हर्ट होते नहीं देख सकता था। लूजिंग बहुत सारी नींद की दवाई खा लेती है ताकि वो मॉर्निंग तक मर जाए, बट मॉर्निंग में तो वो जिंदा थी। इनफैक्ट हीजे ने पहले ही सब खतरनाक चीजें वहाँ से हटा दी थी और उसकी नींद की दवाई भी बदल दी थी। इधर रियल वर्ल्ड में हीजे एक्सीडेंट से बच गया था, बट वो बहुत ज्यादा बदल गया था, लाइक वो अब स्पाइस भी खा सकता है, जबकि उसे खुद भी नहीं ऐसा पता कि वो इतना क्यों बदल गया, और वो हमेशा सैड रहता है। उसकी दूसरी कॉमिक क्रिस्टल ऑफ टू फेमस हो गई थी। इधर कॉमिक वर्ल्ड में लूजिंग कॉमिक आर्टिस्ट बन गई थी। हीजे की एक फैन बीमारी से ठीक हो गई थी और वो पेशेंट बायलिन थी, तो वो उसे खुद फ्लावर्स देने आता है। बायलिन उसे बताती है कि मुझे मेरे नए डॉक्टर डॉक्टर सू पर क्रश है, और डॉक्टर सू बिल्कुल डॉक्टर सू की तरह दिखता है, बट वो तीनों एक दूसरे को पहचान भी नहीं पाते, यानी वो सब एक दूसरे को भूल गए। हीजे क्रिस्टल ऑफ टू का बोर्ड देख रहा था जिसमें लूजिंग का फोटो था, बट तभी उसका ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है और वो पहले की तरह पोल से जाके ठुक जाता है, और फिर से लूजिंग का बोर्ड हीजे के ऊपर गिर जाता है। जब उसकी आईज खुलती है तो वो पानी में डूब रहा था, इसलिए बाहर आ जाता है। कॉमिक में गोंगचिंग इनकाई की शादी का दिन था। हीजे हैरान था कि वो अपने ही कॉमिक में कैसे आ गया, पर फिर खुश हो रहा था कि उसने इतना अच्छा कॉमिक बनाया। गोंगचिंग इनकाई की शादी होने लगती है, सब बहुत खुश हो रहे थे, तो हीजे भी अच्छे से कपड़े पहन लेता है और लूजिंग को देख कहता है, ये लड़की तो लूजिंग है ना, अरे मेरे मॉम डैडी यहाँ पे कैसे। जब इनकाई फ्लावर बुके फेंक के मारती है तो कोई भी उसे पकड़ नहीं पाता, बट हीजे पकड़ लेता है। सब खुश होते हैं कि हीजे वापस आ गया। लूजिंग तो खुशी के मारे रोने लगती है और कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था तुम वापस आ जाओगे। हीजे हैरान था कि वो ये सब क्या क्या बोल रही है, तो लूजिंग उसे किस कर लेती है। वो कहता है, ये क्या कर रही हो, हम तो आज पहली बार मिले हैं, और भाग जाता है। लूजिंग मैजिक पेन उठा के उसके पीछे भागती है और कहती है, तुम मुझे कैसे भूल सकते हो, तुमने तो मुझे ये तक बोला था कि तुम मुझे लव करते हो। हीजे वाज लाइक व्हाट। वो कहती है, तुम यहाँ से जाना चाहते हो ना, तो चले जाओ, जब तुम्हें फिर कभी मेरी याद आएगी तो मैं तुम्हें यही मिलूंगी। हीजे उसे बाय कर जाने लगता है तो वो जोर जोर से फिर से रोने लगती है। हीजे कहता है, अब क्यों रो रही हो। वो कहती है, वापस आओ मेरे पास। वो उसके पास वापस आ जाता है तो लूजिंग मैजिक पेन से लव फ्लावर बना देती है और कहती है, तुमने कहा था ये फ्लावर लव और होप का सिंबल है, और तुमने मुझे ये फ्लावर दे के अपना लव दे दिया था, तो अब मैं तुम्हें अपना लव देती हूँ, और उसे फ्लावर दे के जाने लगती है। हीजे को फ्लावर देख सब कुछ याद आ जाता है और कहता है, तुमने मुझे लव करना सिखाया था, भले मैं रियल वर्ल्ड में जाना चाहता था, पर मुझे एहसास हुआ कि मेरी लाइफ में कुछ तो मिसिंग है, और वो हो तुम। लूजिंग खुश होके भाग के जा उसके ऊपर चढ़ जाती है और दोनों बहुत खुश होते हैं और फिर किस करने लगे थे, क्योंकि हीजे का नेक्स्ट मिशन था लूजिंग से लव करना, जो कभी नहीं खत्म होने वाला था, यानी लूजिंग और हीजे हमेशा के लिए साथ रहेंगे। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस ड्रामा का एंड हो जाता है।